खामोशी तुम्हें हरगिज जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। गुज़िश्ता 3 सालों से जनाब सैयद सगीर अहमद साहब, जो महमूद गावान उर्दू लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन के तौर पर जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था, 3 सालों से 1 रुपया भी उनकी सैलरी नहीं दी गई। वीडियो स्पॉन्सर बाय अल्बिक फैमिली रेस्टोरेंट, हेरिटेज सिरेमिक एंड सैनिटेशन, मदर चॉइस, होप चेस्ट हॉस्पिटल, टिंट लेडीज फैशन एंड NPS डिग्री कॉलेज। रहीम, खामोशी तुम्हें हरगिज जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। गुज़िश्ता 3 सालों से जनाब सैयद सगीर अहमद साहब, जो महमूद गावान उर्दू लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन के तौर पर जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था, 3 सालों से 1 रुपया भी उनकी सैलरी नहीं दी गई। उनके साथ एक असिस्टेंट शेख अफसर नाम के बच्चे को भी रखा गया था। इन दोनों की सैलरी आज तक बनी ही नहीं। और इसके अलावा जिस मुकाम पर इस लाइब्रेरी का क़याम हुआ, यानी उर्दू हाल पर इस लाइब्रेरी को क़ायम किया गया, कहा गया कि उस वक्त PWD की जानिब से किराया फिक्स होगा और PWD जो किराया फिक्स करेगी उसके मुताबिक उसका किराया दिया जाएगा। लेकिन इन 3 सालों में ना PWD ने किराया फिक्स किया, ना यहाँ के किसी माइनॉरिटी ऑफिसर ने इस जानिब कोई तवज्जो दी और ये लाइब्रेरी आज बंद होने के दहाने पर है। माइनॉरिटी से मुतालिक जो भी स्कीमात होती हैं वो बिल्कुल ही जो है ना उसको कचरेदान में डाल दिया जाता है और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। और माइनॉरिटी ऑफिसर के नाम पर जिन लोगों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है, उनको माइनॉरिटीज़ के किसी मसले से कोई दिलचस्पी ही नहीं होती, बल्कि पता नहीं वो सिर्फ़ अपनी मनमानी करते हैं और सिर्फ जो है सिर्फ अपना बजट खर्च करते हैं और अपना बजट बढ़ाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई काम वो नहीं करते। तो ऐसे में 3 साल तक मुसलसल याददाश्तें देने के बाद, माइनॉरिटी डायरेक्टर से बात करने के बाद, तकरीबन तमाम MLAs और इंचार्ज मिनिस्टर वगैरह को याददाश्तें देने के बाद जब कोई मसला हल ही नहीं हुआ, तो हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब अलहाज सैयद सगीर अहमद साहब वो बहुत मायूस हो जा रहे थे कि 3 साल से मेरी खिदमात ली गई लेकिन अब तक जो है मुझे इसकी सैलरी तक नहीं दी गई, ये कैसी हुकूमत है, ये कैसा डिपार्टमेंट है। तो हम उनके हौसलों को और मजबूत करने के लिए, उनकी ताकत बनने के लिए तमाम लोगों ने मिलकर ये तय किया कि आज यहाँ पर हंगर स्ट्राइक की जाएगी और उस वक्त तक ये स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक के जो है ना ये मसला हल नहीं होता। लेकिन अभी अभी एडिशनल DC ने और माइनॉरिटी ऑफिसर ने आकर इस बात का अश्योरेंस दिया है कि अगले महीने ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा, तो इसलिए ये स्ट्राइक को ख़त्म करना यहाँ पर तय किए हैं। मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि यह स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ मुलतवी हुई है। अगले महीने तक अगर ये मसला हल नहीं होता तो बड़े पैमाने पर हम एहतजाज करेंगे और हुकूमत के से मुतालबा करेंगे कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो सके। अस्सलामु अलैकुम।